हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल आर्किटेक्निकल में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा, जहां मैंने सर्विस रिपेल कैपेसिटी के बारे में एक वीडियो बनाया था 100 टन कुमासू डंपर में। उसका इंजन ऑयल कितना लेता है, पावर ब्रेक सिस्टम में ऑयल कितना लेता है, हाइड्रोलिक कितना लेता है, पुलेंट कितना लेता है, डिफेंसर ऑयल कितना लेता है, इन सभी के बारे में मैंने बताया था। जिसमें एक चीज़ रह गया था हमारा कि इसका जो स्टेयरिंग ऑयल लेता है वो कितना होता है। एक्चुअली उस वक्त मुझे पता नहीं था, मैंने पता लगाने की कोशिश भी की थी तो पता नहीं लग पाया था, तो फाइनली मैंने अभी पता कर लिया है। तो चलिए मैं उसका टैंक भी दिखाता हूँ और उसकी जो कैपेसिटी क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहेंगे, एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप K777E के बारे में, उसका सर्विस शेड्यूल के बारे में बताएं, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हॉलपैक डंपर से रिलेटेड वीडियोस लाता ही रहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस टैंक के पास, दिखाऊंगा और बताऊंगा उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ जानना हो, सीखना हो तो मेरे वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के नीचे, जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख पा रहे होंगे मेरी गाड़ी खड़ी है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ टैंक के पास, जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था, और मैं आप लोग को बताऊँगा उसकी कैपेसिटी क्या है। तो वीडियो में बने रहिएगा, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं चलता हूँ टैंक के पास और आप लोग को दिखाता हूँ। ये आपके केबिन के लेफ्ट साइड में है, जिधर आपकी केबिन है स्टीयरिंग साइड, उसके लेफ्ट साइड में है ना। तो ये वाली जो टैंक आप देख पा रहे होंगे, ये आपका स्टीयरिंग ऑयल का टैंक है, और यहाँ पे इसका लेबल दिया हुआ है, इंडिकेट दिया हुआ है ना, कम है या ज़्यादा आप यहाँ से देख पाएंगे। ये सर्विस डिपार्टमेंट का काम है, वो लोग अक्सर इसे चेक करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसे चेक कर सकते हो, आपके नॉलेज में है, आप भी इसके बारे में जानते हो तो आप भी चेक कर सकते हो। अगर लेवल कम हो तो आप सर्विस डिपार्टमेंट में इसका कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं, है ना। तो फाइनली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी जो कैपेसिटी है 175 लीटर की है। ये हमारा स्टोरिंग ऑयल के नाम से जाना जाता है, बट इसमें जो है आपका हाइड्रोलिक आता है ना, क्योंकि ये गाड़ी फुली हाइड्रोलिक सिस्टम ही है इसमें, तो आपका जो ये स्टीयरिंग ऑयल इसमें आता है वो हाइड्रोलिक होता है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये जो जानकारी मैंने आप लोग को दिया, ये वीडियो मेरा कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है इस तरह से वीडियो बनाने के लिए। मैंने इसके सर्विस रिफिल कैपेसिटी के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था पिछला, अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के अंत में मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा, उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देखिए, काफ़ी अच्छी जानकारी मैंने वहाँ पर दे रखा है। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप उसे देख पाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इसलिए एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 777E केट जो डंपर है उसका सर्विस कैपेसिटी के बारे में आप लोग बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।